जय हिंद दोस्तों, आज आपको MI के फ़ोन के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। 3 दिन से काफ़ी परेशान हूँ। मेरे पास 4-5 कस्टमर ऐसे आ चुके हैं जो सेम प्रॉब्लम में मेरे पास मोबाइल फ़ोन लेकर आए हैं। मुझे लग रहा है कि ये कोई कंपनी वालों की या तो साजिश है इस चीज़ में कि इस साल में अपने फ़ोन को बंद कर दिया जाए। तो आप डरना मत, घबराना मत इस चीज़ से। मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिन जिन लोगों ने MI के फ़ोन को, रेडमी का फ़ोन जो भी आपके पास हो या पोको का फ़ोन हो, पोको के तो 3 सेट आए मेरे पास जिनमें सेम प्रॉब्लम, उनमें क्या हो रहा है कि वो स्टक हो जाता है अपने आप। और मैं यकीन मानना दोस्तों, पता नहीं क्या ऐसा एक जादुई बात है ये या फिर कोई बनी बनाई कुछ ऐसी बात, मतलब कस्टमर ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक दूसरे को बता के आया हो कि मुझे उसके जाके यही बोलना है बिट्टू को कि ये प्रॉब्लम आई। यकीन मानना 3 बंदों ने मेरे को सेम बात बोली है कि मैंने जेब में फ़ोन रखा और अचानक से वाइब्रेट हुआ, उसके बाद वो जब ऑन मैंने किया तो वो इस कंडीशन में अटक गया। 2 तो थे, एक था MI का नोट 5 प्रो, उसकी वीडियो नहीं बना पाया मैं, कमाल की बात ये रही, इसलिए थोड़ा डरा सा हूँ। और एक था नोट 6 प्रो, दोनों इस प्रॉब्लम में थे। और पोको M3 के लोगों पे अटके हुए 3 फ़ोन। इन 5ों को मैंने रिपेयर तो कर दिया। अच्छा, रिपेयर मैंने कैसे किया मैं बताता हूँ आपको। मैंने किया उनको हार्ड रिसेट करके। अगर इस कंडीशन में ना, मान लीजिए आपका फ़ोन ये रुक जाए ना, MI का फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर इस कंडीशन में फ़ोन रुक जाए तो ये दोनों बटन है ना, पावर बटन और वॉल्यूम बटन, इन दोनों को एक साथ दबा के फिर पावर बटन आपको दबाना है। देखो इसको दबा के रखो ना, मैं मुझे लग रहा है कि आपके फ़ोन के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी। वॉल्यूम डाउन छोड़ देना, वॉल्यूम प्लस को पकड़े रहना बस। अब यहाँ पे कुछ आ जाएगा, अगर ये मैंने सही दबाया होगा तो आ गया, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ना आपको वाइप डाटा करना है। यार ये चीज़ है ना, मैं 2-3 दिन से मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ कैसी, मैं क्या कह के आपको वीडियो बनाऊँ कि कहीं मैं झूठ ना बोल दूँ आपको। इस डर से मैं वीडियो नहीं बना पाया भाई साहब। 5ों फ़ोनों में सेम प्रॉब्लम आई। देखिए आपको, अब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, मैंने इस चीज़ को रिसर्च भी किया काफ़ी, मैं सुबह से पागल हो रखा हूँ इंटरनेट पे, यार ये चीज़ें हैं क्या। फिर मुझे काफ़ी जगह जवाब ऐसे मिले कि जो जिन बंदों ने अपडेट किया होगा ना इस साल में या इस महीने में अपडेट किया होगा, तो उनके जो अपडेशन है कंपनी वाले को, मैं खुलम खुला कंपनी वालों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। 3 बंदों ने तो मुझे यही बोला कि मैंने जेब में फ़ोन रखा था भाई, वाइब्रेट हुआ। अब अलग अलग भाई 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 तो हो नहीं सकते तीनों, या फ़ोन भाई भाई नहीं हो सकते, फ़ोन एक जैसे थे। पोको M3 तो 3 मॉडल थे, बाकी 2, एक नोट 5 प्रो था, एक नोट 6 प्रो था, ठीक। तो ये 5 फ़ोनों की मुझे कहानी बतानी है आपको, क्योंकि मुझे काफ़ी डर सा लग रहा है कि अगर आपके पास ऐसा फ़ोन हो ना, उसमें एकदम से अगर ऐसी प्रॉब्लम आई तो घबराना मत, नया फ़ोन खरीदने मत जाना, उसको सीधा बस यही काम कर लेना जो मैंने अभी वीडियो में बताया, भूल जाओ तो पीछे करके देख लेना। और वाइप डाटा आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा। मैंने खूब उसमें कोशिश कर ली, उन फ़ोनों में बैटरी का पत्ता हटा के लगाया। दो कमाल की बात, बैटरी का पत्ता लगा के हटाने से चल जाना चाहिए इस कंडीशन में। मैंने पहले भी करे हैं फ़ोन, मगर ये पता नहीं इस बार कैसा क्या हुआ कि ये दिसंबर का महीना चल रहा है, हो सकता है कि कंपनी वालों ने कोई ऐसी अपडेट आपको 1 महीने पहले दी हो या इसी महीने में दी हो शुरुआत में, और आपने अपना फ़ोन अपडेट कर दिया और उसमें इन्होंने ऐसी चीज़ सॉफ्टवेयर में डाल दी हो कि जिससे कि फ़ोन आपका डेड हो जाए। अब आप यहाँ पे कहोगे कि यार ऐसी चीज़ भी क्या होती होगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस वक्त नोकिया के फ़ोन चला करते थे ना और सैमसंग के कीपैड वाले फ़ोन चला करते थे, आज से तकरीबन 15 साल पहले, तो उस वक्त है ना वो आया करते कुछ कोड। आपने कियोशेरा के मोबाइल देखे होंगे, सोनी एरिक्सन के मोबाइल देखे होंगे, सोनी एरिक्सन में तो हुआ भी करता था ऐसा, हम कोड डालते थे, जैसे कि हमारे पास ना कोडिंग की पूरी लिस्ट हुआ करती थी, उस लिस्ट में है ना काफी सारे कोड ऐसे हुआ करते थे कंपनी वालों, क्योंकि फोन डेड करने का भी कोड हुआ करता था, हम कोड डालते थे फोन डेड, उसके बाद सेट ऑन नहीं होगा, वो सीधा कंपनी जाके ही ऑन होगा, उसका फिर प्रॉपर वर्जन का सॉफ्टवेयर ही डालना पड़ेगा और कंपनी वाले डालेंगे, दूसरा कोई बंदा उसमें सॉफ्टवेयर डाल भी नहीं सकता। तो कोडिंग का भी ऐसा मामला बहुत पहले हुआ करता था। उसके बाद मैंने अब जाके रियलाइज किया है कि अब इन लोगों में अकल आ गई है दोबारा से, इन्होंने लगता है कुछ जानबूझ के ऐसा काम करना शुरू कर दिया है मोबाइल कंपनीज ने, कि ये अपडेट देंगे आपको साल के आखिरी में, कि नए साल पे बंदा नया मोबाइल खरीदने की सोच लेगा। आपको अपडेट देने से ये इनके लिए फायदा हो जाता है कि मतलब आपको ये अपडेट देंगे, आपने अगर उसे अपडेट कर लिया तो या तो आपका फोन हैंग होने लगेगा या फिर आपका फोन लोगों पे स्टक हो जाएगा या फिर आपके फोन का टच मिसबिहेव करने लगेगा। और ये तीनों चीजें है ना पता किससे ठीक हो जाती है, हार्ड रिसेट करने से। हार्ड रिसेट बोलते हैं इसको, भूलना मत, याद रखना है इसको, ठीक है। ये काम करने से आपका फोन दोबारा से चालू हो जाएगा, मगर वो नए सिरे से शुरू होगा,
आपका पुराना डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। ऐसे में ना बंदे का मनोबल टूट जाता है कि यार फोन तो गया, डाटा भी गया इसका, यार एक काम करता हूँ नया फोन ले लेता हूँ। तो ये कुछ कंपनियां कुछ ना कुछ तो चालाकियां खेल रही हैं। मैं जिस दिन किसी एविडेंस पे किसी नतीजे पे पहुंच गया ना, उस दिन आपके सामने इन कंपनी वालों को मैं जरूर एक्सपोज करूंगा। कई कंपनियों को मैंने ओप्पो वीवो इनको जरूर देखा है, मैंने मोटरोला को भी देखा है यार। एक साल पूरा होते ही पता नहीं उसको क्या आग लग जाती है। कई कस्टमर मेरे पास ऐसे आते हैं एक साल होने के बाद 5 दिन ऊपर या 10 दिन ऊपर ऐसे होते ही वो एकदम से मोटरोला के लोगों पे अटक जाएगा, एंड्रॉइड का लोगो बन के आएगा, उसके बाद वो अटक जाएगा, ऑन नहीं होगा या फिर वो एकदम से डेड हो जाएगा, ऑन ही नहीं होगा भाई साहब। तो ये चीजें मैंने बहुत बार देखी है। मैं काफी दिन से ऐसी वीडियो बनाने की सोच रहा था यार आपके सामने ऐसी बातें लाई जाए। तो आपको है ना मैं एक चीज बताता हूँ, इसका सोल्यूशन ये है कि हाल फिलहाल में है ना इस महीने में आप बिल्कुल भी अपडेट मत करना। अगर आपके पास कोई भी अपडेट आए, मैं अगर अपडेट आ रखी होगी ना तो मैं हो सकता है मैं आपको दिखा दूँ। सेटिंग का लोगो होता है ना, मतलब सेटिंग का जो आइकन होता है ना, उस सेटिंग को आइकन पे अगर आपने ऐप भेज अगर आपने ऑन कर रखा होगा तो सेटिंग की जो ऐप का आइकन होता है ना उस पे एक लिख के आ जाएगा, एक लिख के या दो लिख के, दो अपडेट आई हुई है या फिर एक अपडेट आया हुआ है ऐसे करके, मतलब एक नोटिस सा आएगा और आप उस पे टिक कर लोगे तो आपका फोन है ना अपडेट होना शुरू हो जाएगा। और फिर वो है ना जो पुराना सॉफ्टवेयर जो होगा उसको कुछ कुछ फाइलों को खा जाएगा और नई फाइलें उसमें ऐड हो जाएंगी। इसमें होगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। देखो जैसे कि ये सेटिंग का लोगो है ना, इसके साइड में ऊपर साइड में है ना, इस साइड में आपको एक लिखा नज़र आएगा रेड कलर में। अगर आपके फ़ोन में वो आ रहा हो ना तो उसे इग्नोर कर देना और आप सेटिंग में जाके ना ऐप बेज सेटिंग में है ना उसको ऑफ कर। देखो ये रही 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 रहा ये रहा भाई वाह। देखो दोस्तों आपके लिए ये चीज़ बस देखनी थी, ये आपके काम की चीज़ है, सिस्टम ऐप अपडेटर। ये अपडेट आया कैसे, मैंने थोड़ी देर पहले इसको वाईफाई से कनेक्ट किया था इसलिए आया है, वाईफाई से इसको डिसकनेक्ट कर दिया। देखो ये जो आ रखा है ना एक, इसका मतलब अगर मैं वाईफाई इसमें अटैच करूँगा ना, अगर मैं किसी वाईफाई को इससे कनेक्ट कर दूंगा तो ये अपडेट मांगने लगेगा। जैसे कि अबाउट फ़ोन में इसको समझने की कोशिश करना दोस्तों, जैसे MIUI ग्लोबल वर्जन है ना जो इसका, ये वर्जन चेंज हो जाएगा जैसे 10.2.3.0, अगर इसका नया अपडेट आ जाएगा 11.2.3.0 कुछ ऐसा करके अपडेट आ जाएगा। आप उसे अपडेट मत कर लेना, बस अभी मत करना, साल खत्म हो जाए ना उसके बाद बेशक करते रहना। क्योंकि ये मैंने रियलाइज़ किया यार मैं 3 दिन में 5 फ़ोन देख चुका हूँ ऐसे। तो अभी है ना मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास ये काम आ रहा है, ये प्रॉब्लम कस्टमर की गलती से हो रही है, मगर ये प्रॉब्लम जो है ना कस्टमर की गलती से नहीं है, जो मैंने प्रॉब्लम बताई ना आपको ये अपडेट करने से आ रही है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे 5 फ़ोन मेरे पास आए उनमें से है ना मैंने 5ों बंदों से पूछा था कि आपने अपडेट तो नहीं किया था फ़ोन, अरे भाई कुछ नहीं किया। एक बंदे से थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाई, उसने यही चीज़ बोली कि भाई अपडेट का ना एक सेटिंग पे एक ऑप्शन सा आ रखा था एक बन के, तो मैंने इसको टिक किया था, फिर वो थोड़ी देर तक तो अपडेट हुआ था, वो भी कुछ दिन पहले, आजकल में नहीं कह रहा, तकरीबन 15-20 दिन हो गए जब मैंने इसको किया था वो अपडेट, जिसे बोलते हैं। बच्चा कह रहा था कि इसमें टिक करना है, इसमें टिक करने की कह रहा है उनको, वो मैंने कर दिया था क्योंकि नॉलेज उसे भी नहीं थी। मैं आपको बताऊँ इस महीने में है ना जो भी बंदा अपडेट करेगा ना, ये बात मतलब सत्य भी नहीं है एकदम से कि आप इस पे इसको सोच के डरने लग जाओ, अपडेट मत करना मेरे भाई इस महीने में, क्योंकि ये कुछ गेम मुझे लग रहा है कंपनियां ऐसा गेम ज़रूर खेल रही हैं कि आपको अपडेट देंगी उसके बाद आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा या एकदम स्टक हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, या टच अपने आप ऐसे ऐसे वर्क करने लगेगा और अच्छे वाले फ़ोन में हो जाता है, अच्छे वाले फ़ोन में हो रहा है ऐसा। दोस्तों ये वीडियो बनाए बिना मुझसे रहा भी नहीं गया, क्योंकि जो भी कस्टमर लेके आया ना इस कंडीशन में अपने फ़ोन को, तो वो उसके सामने ही मुझे करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है मैं ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ इस चीज़ की कि एक कस्टमर के फ़ोन में क्या हो रहा है मैं उसको बता के करता हूँ। तो उसके सामने मैं वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि मैं वीडियो किसी को बताता नहीं हूँ कि मैं वीडियो बनाता हूँ, इनफैक्ट मेरे पड़ोसियों को भी नहीं पता कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए मैं कस्टमर के सामने वीडियो नहीं बना पाया, इस चीज़ के लिए सॉरी। मगर कोई बंदा अगर कभी छोड़ के जाएगा ना फ़ोन को आधे एक घंटे के लिए और वो कहीं जाएगा, तो मैं उसकी है ना बताऊँगा आपको 1-2 दिन में, अगर मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम और आती है ना तो मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं काफ़ी असमंजस में था इस चीज़ के लिए। आपको मैंने कोडिंग के माध्यम से बता दिया कि ऐसी कोडिंग पहले हुआ करती थी जिस वक्त कीपैड फ़ोन चला करते थे, कि उसमें कुछ भी कोड वगैरह, कुछ कोड तो अभी भी आप जानते हो ना, कुछ कोड डाल देते हैं तो वो डेड होने का भी कोड हुआ करते थे, उनके कंपनियों के CPU के अलग से होते थे और वो जो नेटवर्क के अलग कोड हुआ करते थे, किस बैंड पे मोबाइल को चलाना है 900 मेगाहर्ट्ज़ पे या 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे, उस वक्त की ये हमारी पढ़ाई हुआ करती थी। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको कन्फ्यूज ज़्यादा नहीं करूँगा, मगर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ तो बात है न्यू अपडेट्स में। अपने फ़ोन को अपडेट करने से पहले सोच लेना
काफ़ी देर सोचना इस चीज़ के बारे में, उसके बाद ही अपडेट करना। अपडेट करने से कोई नई चीज़ तो आ नहीं जाती, अगर पुरानी चीज़ कुछ खो जाती ये पक्का है। और ये तो कन्फर्म मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, ये चीज़ मैं पक्का कह रहा हूँ कि अगर आप एक साल मोबाइल फ़ोन चला लोगे उसके बाद अगर कोई अपडेट आप करते हो, एक साल होने के बाद, क्योंकि एक साल तक गारंटी होती है कंपनियों की, उसके बाद आप अगर अपडेट कर लेते हो ना भाई, फिर कुछ ना कुछ तो पंगा हो जाता है, या तो सेट स्लो हो जाएगा। सैमसंग के फ़ोनों में तो ज़्यादातर देखा जाता है ऐसा, स्लो भी हो जाते हैं सेट, मोटरोला में भी देखा गया है और काफ़ी कंपनियों में, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये स्लो हो जाते हैं फ़ोन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपकी अवेयर रहिएगा। यार मुझसे जुड़े हुए हो तो मेरा दिल सा घबराता है, अगर कोई भी चीज़ ऐसी आती है ना तो मेरा दिल करता है आपको सारी चीज़ बता दूँ खोल खोल के। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। डरना मत, डरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं आपको सोल्यूशन बताता रहूँगा। अगर आपका फ़ोन हैंग होता हो ना तो देखो, सबसे अच्छा तरीका और बता देता हूँ आपको ना, सेटिंग में जाइए। अगर आपका फ़ोन हैंग होता है, जैसे कि हैंग का मतलब समझ लो, कई बंदों को ना हैंग का मतलब ही नहीं पता होता, वो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं कि हैंग का मतलब क्या होता है। देखो हैंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका फ़ोन, आपने सेटिंग खोली, अब वो काफ़ी देर में जाके खुली, उसे बोलते हैं भाई हैंग। जैसे कंप्यूटर हैंग होते हैं ना, आप गूगल खोला आपने, वो खुला 15 मिनट बाद, सिस्टम हैंग हो रहा है ना कि गूगल हैंग हो रहा है ना। और काफ़ी सारी ऐप जो हैं वो बहुत स्लो काम कर रही हैं आपकी, और कोई भी चीज़ आप टाइप कर रहे हो तो वो भी स्लो हो रही है, मैसेज भेज रहे हो वो भी स्लो जा रहा है, तो वो चीज़ें हैंग में आ जाती हैं, ठीक है, और लैग में भी आ जाती हैं, और ग्लिच भी बोलते हैं बहुत सारे बंदे कई जमानों में इन चीज़ों को जानते हैं। तो मैं इसके बारे में बताऊँ, अगर हैंग होता हो ना आपका फ़ोन, सेटिंग में जाना, एडिशनल सेटिंग, ये MI के फ़ोन के लिए है, बाकी आपके पास कोई भी फ़ोन हो उसमें आपको बैकअप एंड रीसेट ढूंढना कहाँ पे है। इसमें बैकअप एंड रीसेट ही रहा, बैकअप एंड रीसेट है ना, इस पर टिक करने के बाद आप फैक्ट्री डाटा रीसेट इस पर टिक कर लो, उसके बाद यार रीसेट फ़ोन पे टिक करोगे तो फ़ोन बंद हो जाएगा, मगर ये चीज़ ध्यान रखना डाटा उड़ जाएगा आपका सारा। पहले अपना डाटा, फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप का जो बैकअप होता है वो सारा ले लेना, उसके बाद ही फॉर्मेट मारना अपने फ़ोन को कभी भी, है ना, फिर उससे कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपका फ़ोन एकदम स्पीड में चलने लगेगा, जो भी ऐप मिसबिहेव कर रही होगी वो ठीक हो जाएगी, अपने आप वो सेट हो जाएगी रीसेट करने से। तो रीसेट करने से पहले आप ये चीज़ समझ गए कि डाटा जरूर सेव कर लेना और ये रीसेट मार देना, बाकी और किसी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत सारे बंदे ना मेरे पास आते हैं ऐसे, पता नहीं उनको या तो नॉलेज होती नहीं है इस चीज़ की, क्यों मैं जब बताता हूँ ना वो कहते हैं भाई क्या रीसेट क्या होता है, खुद नहीं पता होता। अब वो कह रहे होते हैं भैया बहुत स्लो चल रहा है फ़ोन मेरा, कॉल आ रही है कभी कभी कॉल ही नज़र नहीं आ रही, बहुत देर में जाके नज़र आ रही है कॉलिंग के जो ऑप्शन होते हैं वो, तो ये हैंग में आ जाती हैं ये चीज़ें। तो इस कंडीशन में है ना हमको फ़ोन को रीसेट करना होता है, और दुकान वाला है ना आपसे इस चीज़ के पैसे मांग लेता कि भाई सॉफ्टवेयर डलेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और भाई साहब वो आपके फ़ोन को रीसेट मार के आपके हाथ में दे देता है, आप खुश हो जाते हो कि भाई वाह फ़ोन नया हो गया। तो वो नया सा तो हो गया, मगर भाई साहब आपका काम तो उसने कर ही लिया, मगर उसने पैसे तो अपने बना ही लिए खाम खा के। यही रीसेट करेगा सबसे पहले, किसी भी दुकानदार के पास जाओगे ना वो सबसे पहले ये रीसेट ही मारता है, उसके बाद ही कोई सॉफ्टवेयर वाला काम करेगा ना, आजकल ऐसे ही इंजीनियर साहब हो रखे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।